हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक मैं तोता का कहानी बताऊंगा। ये कहानी का नाम है अधा ज्ञान महाकल्याण। ये कहानी हमारे माइनिंग के रिलेटेड में है। आप इसे ध्यान से सुने और आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बारिश का मौसम था, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था चारों तरफ। बारिश छूटने के बाद एक आदमी रास्ते से जा रहा था। इस रास्ते से गुजर रहा था, वो देखा एक तोता पड़ा हुआ है। उस तोता को लेकर घर में चला गया और उसको लेके अच्छे से उसका घर में रखा, उसको खाने के लिए दिया, हमेशा उसके साथ में ही रखा। उस तोता को वो रोज़ रोज़ सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। तोता भी एक दो महीना में बोलने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। तोता भी अच्छा सा सीख गया और जब भी उसका मालिक को देखता था तो वही बोलने लगता था। एक दिन क्या हुआ, शिकारी आया, जाल बिछाया, जाल में वो फंस गया। वो जाल में फंसा हुआ है, तोता तब भी बोल रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। इसका अर्थ ये होता है उस तोता को अच्छे से उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ। उसका मालिक जो उसको सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत, बस उतना ही उसको सिखाया, लेकिन उसको ये नहीं सिखाया कि शिकारी क्या चीज़ होता है, जाल क्या चीज़ होता है। उसके बारे में अगर वो पता रहता तो वो शिकारी के पास कभी वो नहीं जाता। तो आज यहीं से सीखने मिलने आ रहा है कि हमें जो चीज़ भी सीखना है अच्छा तरीके से सीखना है, अच्छा से सीखना है। जो हम लोगों का जो कहीं पे भी हम लोगों ने इंटरव्यू देने जाते हैं या हम लोगों का सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, मेट, फॉरेन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसका जो तैयारी कर रहे हैं, हमको अच्छा से अच्छा तैयारी करके जाना है, नहीं तो ही तोता का हाल जैसा होगा। इसीलिए दोस्तों, आज मैं एक आपके लिए बहुत अच्छा खबर लेकर आया हूँ। ये ऑनलाइन कोचिंग क्लास है, बिसरा माइनिंग कोचिंग सेंटर रांची में है। आप ज़रूर से ज़रूर इसे देखें और आपका फ्रेंड सबको भी आप शेयर करें। इसमें जो नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके आप कोचिंग क्लास ले सकते हैं। आप ज़रूर इसे तैयार करें और आप इसमें आप पढ़ाई करें, आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम का पूरा करें। थैंक यू।